हाय गाइस, व्हाट्स अप। सो वेलकम टू माय चैनल। और आज का ये व्लॉग है स्पेशली बिग बॉस के लिए। मैं बिग बॉस के कंटेस्टेंट के लिए ये एपिसोड शूट कर रहा हूँ। और आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे कि कौन अच्छा लग रहा है, कौन, वैसे तो आप लोगों को पता है कि मुझे कौन अच्छा लग रहा है, कौन बुरा लग रहा है, बट स्टिल आज इसी चीज पे विस्तार से बात करेंगे। अच्छा, और अभी मैं जा रहा हूँ मनीषा के सेट पे, झलक दिखला जा के सेट पे। आज उसका थर्ड शूट था, आज कुछ काम भी है मुझे 10 मिनट का, इसीलिए सोचा कि आज वहां भी जाएंगे और मनीषा से भी पूछेंगे कि मनीषा को कौन सा कंटेस्टेंट पसंद आ रहा है बिग बॉस में। क्योंकि जब से बिग बॉस स्टार्ट हुआ है ज्यादा ओपिनियन अपना दी नहीं है वो। अच्छा, तो आज पूछेंगे उनसे कि उनको कौन पसंद आ रहा है और कौन नहीं मेरे व्लॉग में। तो बने रहिए हमारे विशाल सिंह के व्लॉग में, आपको मजा आता रहेगा। और जहां तक मैं बात करूं बिग बॉस के बारे में, बिग बॉस 17 में मुझे वैसे कोई अच्छा लग नहीं रहा था स्टार्टिंग में। और जो इंसान मुझे नहीं पसंद था अभिषेक, वही इंसान मुझे अब इतना पसंद आ गया है कि मैं दिल से चाहता हूं कि अभिषेक ये शो जीते। बात तो सही है। बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा था मेरे पास, कमेंट आ रहे थे कि आप, जब मैंने अभिषेक के लिए एक वीडियो बनाया उसके सपोर्ट में, कि पहले तो आप अभिषेक को हेट दे रहे थे, उसको पसंद नहीं कर रहे थे, अब आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा, देखिए बिग बॉस एक ऐसा गेम है ना जो हर एपिसोड के बाद आपका परसेप्शन चेंज होता है। तो स्टार्टिंग में मुझे अभिषेक नहीं पसंद आया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो फेक कर रहा है, बट धीरे 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 जैसे जैसे एपिसोड बढ़ता गया आगे, तो मुझे एक्चुअल में समझ में आया कि भाई ये जेन्युइन है, ये ऐसा ही है, ये घर के बाहर भी ऐसा ही होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि बिग बॉस जीतना उन्हीं को चाहिए जैसा वो घर के बाहर है वैसे वो घर के अंदर है। अभिषेक जैसा बाहर है वैसा ही घर के अंदर है। तो मैं दिल से चाहता हूं कि आप सब लोग उसको सपोर्ट करें, आप सब लोग, जितने भी लोग मनीषा को सपोर्ट करते हैं, जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी यूपी बिहार की ऑडियंस, जनता, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मैं दिल से चाहता हूं कि सब आप लोग अभिषेक को सपोर्ट करें और अभिषेक जीतना चाहिए इस बार। एक नॉर्मल इंसान जो जनता से जुड़ा हुआ है, जो एक्चुअल में अपनी फीलिंग्स अगर कुछ आती हैं उसके दिल में ना, तो वो कैमरे के सामने वो ये नहीं सोचता है कि घर में कितने सारे कैमरे लगे हैं, वो उस चीज को बाहर लेकर के आता है। तो ऐसा इंसान जीतना चाहिए, वो डिजर्व करता है। और रही बात बाकी कंटेस्टेंट की, तो जो अभिषेक के अगेंस्ट जा रहा है मुझे वो इंसान पर्सनली बुरा लग रहा है। मैं उनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। स्टार्टिंग में मुझे मुनव्वर पसंद था, मैंने बताया भी था, मनारा ही पसंद थी, बट मनारा का गेम बहुत डाउन चला गया। मुनव्वर का तो मुझे, या देखो इंसान तो वो अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि जिसका जो शायरी बोल सकता है कभी भी कहीं पे भी खड़े होके, दैट मींस कि उसके वो ब्लेस्ड है, वो बहुत सारी चीजों से ब्लेस्ड है जिंदगी में, उसको उसके ऊपर भगवान का हाथ है जो खड़े होकर के 10 लाइन बिना सोचे बिना रुके किसी के बारे में बोल दे, तो वो ब्लेस्ड होता है इंसान। वैसे तो वो इन सब चीजों में मुनव्वर बेस्ट है, बट मुनव्वर अब डाउन हो चुका है क्योंकि वो स्टैंड नहीं लेता है, और जो बंदा उसके लिए स्टैंड लेता है वो उसके लिए भी स्टैंड नहीं लेता है। तो मुझे मुनव्वर की यही चीज नहीं पसंद आई। अभिषेक उसको इतना प्यार करता है, एज अ फ्रेंड उसको इतना मानता है, उसके बाद भी मुनव्वर उसके, अभिषेक के साथ कुछ भी होता है मुनव्वर उसके लिए स्टैंड नहीं लेता है, उल्टा अगेंस्ट जाता है उसके। तो मुझे ये चीज मुनव्वर की नहीं पसंद आई। पहले मैं मुनव्वर को एक्चुअल में सपोर्ट करता था, बट अब मेरा सिर्फ एक ही, मुझे सिर्फ एक ही इंसान डिजर्विंग कंटेस्टेंट लगता है और वो है अभिषेक। पूरा घर उसके अगेंस्ट है, अंकिता जी, विक्की जैन, मोहल्ले की चाची, और ईशा, वो देखिए ईशा को तो मैं काउंट भी नहीं करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ईशा, मतलब मुझे जब वो मुझे एयरपोर्ट पे मिली थी, मुझे और मनीषा को, तो मुझे लगा, हम लोग को लगा था कि एक्चुअल में थोड़ी स्वीट सी है, कुछ करेगी, रियल सा करेगी, बट वो जैसे ही घर में दिख रही है, अगर वो सच में ऐसी रियल है तो भैया तुम चेंज कर लो अपने आप को फिर, क्योंकि जिस तरीके से आप बेइज्जती करते हो ना सामने वाले की, और सबसे बड़ी बात आप सबसे छोटे हो घर में, उसके बाद अब इस तरीके से बात करते हो सबसे, वो नील से, ऐश्वर्या से, ऐश्वर्या और नील से वो जिस तरीके से बात करती थी बदतमीजी से,
सबसे छोटी ये घर में 19-20 साल की लड़की है और वो लोगों से इस तरीके से बात करती है जैसे लगता है कि वो दादी है सबकी। मतलब कोई भी बात होगा नहीं, अभिषेक तू गलत है, नहीं अंकिता जी नहीं, हाँ हाँ हाँ। आप पहले ना तमीज सीखो बात करने का, किसी के घर वाले को, किसी को पर्सनल लेवल पे हिट करना, वो बंदा तुमसे स्टार्टिंग में जो तुमसे अटैच था, जितना तुमसे प्यार करता था, वो जो जो चीज तुमसे वो बोला, वो चीज आकर के आपने कैमरे में बोल दिया, नाइस यार नाइस। मतलब तू गेम जीतने के लिए तू किसी को इतना डाउन कर सकती है भाई कि सामने वाला बाहर आने के बाद अपनी नजर में खुद ही गिर जा, ऑडियंस की नजर में गिर जा। बट अभिषेक के साथ एक प्लस पॉइंट है कि किसी हर एक इंसान ने जो फेक को सपोर्ट करते हैं ना, वही सिर्फ ईशा को सपोर्ट कर रहे होंगे और वही अभिषेक को हेट दे रहे होंगे। बात तो सही है। जो एक्चुअल में जेन्युइन ऑडियंस है ना, जो सपोर्ट करती है सच्चाई को, जो सपोर्ट करती है अच्छे लोगों को, वो लोग कभी भी अभिषेक के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। चाहे तुम कितना भी बोल लो, तुम कितना भी उसके अगेंस्ट बोल लो, या बाप का मेंटल लौंडा, ये सब जितना भी तुम बोल लो, उसको पब्लिक पसंद करेगी, उसको ऑडियंस प्यार देगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके और समर्थ के बोलने से कुछ नहीं होता है। वो लड़का अकेले खेल रहा है और वो अकेले जीतेगा, और हम दिल से चाहते हैं कि ट्रॉफी अभिषेक ही लेकर के आए। मैं अपनी नजर में जहां तक मुझे अभी लग रहा है, बिग बॉस के दो डिजर्विंग कंटेस्टेंट हैं, वो है मुनव्वर और अभिषेक। मुनव्वर जस्ट बिकॉज उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। हाय गाइस, व्हाट्स अप, सो आइए मिलिए हमारी रानी, आपकी रानी से अच्छे से मिलवा रहे हैं, रुकिए ना। अबे साली, हे गाइस, कैसा लग रहा है आपको? आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा मराठी लुक? आज हम मराठी मुलगी बने हैं। अच्छा, और हम कोहली डांस फॉर्म करने वाला है। कोहली ठीक है। अच्छा, कोहली डांस फॉर्म जो महाराष्ट्र डांस फॉर्म है, आज विराट कोहली डांस करने वाली है। आज आपको मिलाते हैं मनीषा की मैनेजर काजल। ये मनीषा को मैनेज करती हैं, और जो लोग सोचते हैं कि मनीषा को मैं मैनेज करता हूँ, उनके सामने ये सच्चाई है कि मैनेजर ये है। तो अगर कोई भी आपको गाली देने का मन कर रहा है तो इनको दिया कीजिए, मुझे नहीं। जो भी कमेंट पे आके लिखते हैं विशाल सिंह मैनेज कर रहा है मनीषा को, नहीं, ये देखिए इनसे मिलिए, ये हैं। Yes, she is the reason. What is the reason? नहीं है, दे दीजिए कोई बात नहीं, इनको मत परेशान कीजिए। गाली कोई नहीं देता है, जो फैंस अच्छे फैंस है, जेन्युइन फैंस है, वो लोग कभी गाली देते हैं, वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। और तुम बताओ काजल, तुम्हें कौन अच्छा लग रहा है बिग बॉस 17 में अभी फिलहाल? अभिषेक, मुनव्वर थोड़ा बहुत, बट क्या बोलते हैं, जो भी मसाला और वो सब है वो तो अभिषेक देते हैं। मैं चाहती हूँ बेचारा जीत जाए। और अगर टॉप टू में किसको देखती है, टॉप थ्री में? टॉप थ्री मेरे को विक्की अंकिता बिल्कुल पसंद नहीं। सुनते बहुत फेक, बहुत ज्यादा। अभिषेक चाहिए मुझे टॉप में, मुझे हाँ मुनव्वर भी चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिशन तो होना चाहिए। और अगर तीसरा कोई अगर चाहिए होता तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो एलिमिनेट होगा उसमें से कोई तो, बट अभी फिलहाल मेरे दो ऐसे है कि ये दोनों बस चले ऐसे हाथ हाथ वाले गेम कर लो, फिर अभिषेक खत्म कर दो। हम भी यही चाहते हैं कि अभिषेक जीते क्योंकि वो एक्चुअल में एक जेन्युइन प्लेयर है। ईशा के बारे में क्या बोलेगी? वो बचकांडी। ओ नहीं अभिषेक, हाँ हाँ हाँ। ओ भाई, उसको मैंने कोई बोलो तू बच्ची से थोड़ी बड़ी हो जा, फिर आ जाना बिग बॉस। इतनी छोटी है बट पर इज्जत किसी की नहीं करती है, बिल्कुल भी मैनरलेस लड़की हुई हो आप ईशा। आप बाहर भी होगे, अगर ये ब्लॉग गलती से आपको दिखाना तो इसको देख करके अपने बिहेवियर पे, अपनी हरकत पे काम कीजिएगा। पहली बात तो इससे छोटा कोई घर में है ही नहीं, जितने भी लोग सारे लोग इससे बड़े, बट सबको तू तड़ाक करके, एक छोटी सी लड़ाई हुई नहीं कि तू तड़ाक। तो चलिए कोई बात नहीं, कर्मा है, सबको दिखता है। कभी आपके से भी, आपसे भी छोटे या आपके भी घर में कोई आपका छोटा होगा तो आपसे इसी तरीके से बात करेगा, तब समझ में आएगा आपको कि किसी को जबरदस्ती का पोक है। इतना तो कोई करता भी नहीं जितना वो कर रही है,
एंड उसका वो जो चिंटू है उसको पहले बाहर निकाल लाइक निकल गया ईशा के तो डैड भी आकर के ईशा को यही समझा के गए हैं कि अपना गेम खेलो, दूसरों का गेम मत खेलो, चार लोग के झुंड में इकट्ठा करके खेलोगे तो झुंड में ही बाहर भी निकल जाओगे। जैसे तुम्हारा पति देव समर्थ तो निकल गया, अभी आपकी बारी, अब आप भी निकलोगे। अरे 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट हमारा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये आ गए हैं हमारे छोटे बादशाह। बिग बॉस में किसको पसंद कर रहा है? इधर आ, क्या लाइट के अगेंस्ट खड़ा है, इधर है। आज पीछे में है। तो भाई बिग बॉस में किसको पसंद कर रहा है? आपको, आपका वेट कर रहा है, आप जब जाइएगा आपको पसंद करेगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी तो फिलहाल बिग बॉस देख भी नहीं रहा, अभी तो बता तो किसको पसंद कर, कौन तुझे बिग बॉस 17 में कौन पसंद आ रहा है? अभिषेक। अभिषेक तो डर क्यों रहा, बोला बोले तो अभिषेक मनीषा रानी का भाई है यार, वो खुल्ला खुल्ला बोलती है। बहुत बहुत अच्छा खेल रहा, मजा आ रहा है ऐसे देखते तो रील्स में देखते हैं। किसको चाहता है, कौन जीतेगा? अभिषेक को, अब वही जीतेगा ही। A few moments later हम लोग जस्ट शूट से वापस आए हैं। I'm very tired but still tired foreigner English भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी tired। हां यूके उत्तराखंड। जैसा कि हम सबको पता है कि तू खुद ही बिग बॉस की इतनी बड़ी फैन है, लेकिन अब जब से बिग बॉस से निकल गई है इसको टाइम नहीं मिलता बिग बॉस देखने का, क्योंकि झलक कर रही है और इतने सारे काम धाम ये सब, तो बिजी रहती है मैम। बट मैं पूछना चाहूँगा कि बिग बॉस 17 में इसको टाइम तो नहीं मिलता, बट मैंने कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं, ये भी कुछ कुछ एपिसोड्स देखी है हल्का फुल्का भगा भगा के इधर उधर, तो तुझे कौन अच्छा लगा है, मतलब कोई ऐसा जो हल्का फुल्का पसंद आया हो? सब लोग, मतलब क्योंकि हम बिग बॉस बहुत अच्छे से नहीं, मतलब इस बार देखी ही नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ एपिसोड देखे हैं और जो थोड़ा बहुत रील्स में आता है, तो हम आई थिंक इतने कम टाइम में तो सबको जज नहीं कर पाएंगे कि कौन कैसा खेल रहा है, लेकिन जो एक बंदा है अभिषेक, मुझे उसका गेम अच्छा लगा, थोड़ा बहुत देख के जो समझे हैं, पूरा तो नहीं देख पाए, लेकिन वो बंदा मेरे को लगा कि बहुत सारी चीजों पे स्टैंड लेता है, भले ही पूरा घर उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन वो अपने अपने चीज पे, जिस चीज पे स्टैंड लेता है उस पे अड़ा रहता है। तो मैंने कहा था ना स्टैंड लेता है अभिषेक, तो बिग बॉस हाउस का, हाउस के अंदर का जो हाल रहता है वो हम समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, कि जब आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे सारे लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं तो आप मेंटली कितने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब सम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि यार हमको निकालो फेंको, हमको यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि आप वहीं पे रह सकते हो जहाँ पे सिर्फ आपको प्यार मिलता है, पॉजिटिव वाइब मिलता है, लेकिन कहीं ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे कोई आपको देखना नहीं चाहता है, वहां सर्वाइव करना सबसे टफ टास्क होता है। आई थिंक जो, आई थिंक मुझे लगता है जो भी करता है वो वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट। ये तो रील देख करके इतना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दी है जो थोड़ा बहुत जानी है। मैं तो एपिसोड, हर एक एपिसोड देखा हूँ, और स्टार्टिंग में भले मुझे पसंद नहीं था और मेरी वजह से शायद मैंने इसको इसके कान भर दिए थे, मैंने बोल दिया था कि अरे ये ऐसा खेल रहा है वैसा खेल रहा है, तो इसने भी, ये भी मेरी वीडियो में बैठी हुई थी, इसने बोल दिया था कि हाँ मुझे मुनव्वर अच्छा लग रहा है, मनारा अच्छी लग रही है। लेकिन बिग बॉस एक ऐसा शो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला वीडियो में, कि हर एपिसोड के बाद परसेप्शन चेंज होता है इंसान का जो अगर देखता है वो, तो स्टार्टिंग में मुझे अभिषेक नहीं पसंद था, बट उसके बाद जितने भी एपिसोड्स आए हैं, मुझे जब से वो चिंटू के एंट्री, जो हिलता मिनारा है यूं करते करते जो एंटर किया ईशा का बॉयफ्रेंड, उसके बाद से लेकर आज तक मुझे अभिषेक बहुत अच्छा लगा है। हर चीज पे स्टैंड लेता है वो लड़का, हर एक, मतलब कि तू सोच ले कि अगर कोई भी चीज, तू भी तो थी ना बिग बॉस के अंदर, तो तू जैसे चाहे वो तेरे दोस्त हो या ना हो, लेकिन तू स्टैंड लेती थी, कुछ भी होता था तू बोलती थी, तो वैसा अभिषेक है, उसको कुछ भी रहे, मतलब गलत है सही है, अगर वो सामने वाला गलत है तो अगर उसका दोस्त ही क्यों नहीं है, लेकिन वो बोलता है,
पहले विक्की के आड़ में खेल रहा था, विक्की के साथ साथ में खेल रहा था, तो लोग उसको पसंद नहीं करते थे कि विक्की का सपोर्ट लेके अंडर में खेल रहा है। जब विक्की ने एक गलती किया, मोहल्ले की चाची है विक्की जैन, जो एक गलती किया जो उसके बाद तुरंत उसके अगेंस्ट में हो गया और आज तक उसके अगेंस्ट में है। तो मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है, जैसे कि बिग बॉस के घर के अंदर मनीषा ने खेला था और एकदम डट के खेली थी, स्टैंड लेती थी, जो भी गलत लगता था लड़ती थी उसके लिए। तो वैसे ही मुझे अभिषेक भी अच्छा लगता है, जेन्युइन है, रियल है। जैसा कैमरे के पीछे है वैसे ही कैमरे के सामने है, वैसी मनीषा भी थी। जैसा ऑफ कैमरा रहती है वैसे ही ऑन कैमरा रहती है। हाँ, तक मुझे बाहर लोगों का रिव्यू पता चला, या फिर विशाल भी बिग बॉस का बहुत ज्यादा फैन है, तो इसका भी चॉइस हम समझ सकते हैं कि मेरे से थोड़ा सिमिलर है। तो अगर ये अभिषेक को पसंद कर रहा है, अरे तू कोई भी एपिसोड उठा के देखेगी ना, मैं कह रहा हूँ कि तू कोई भी एक दो थप्पड़ मारने वाला एपिसोड उठा के देख, अगर तू वो एपिसोड पूरा देखने के बाद अगर तुझे अभिषेक ना पसंद आया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। मुझे पता है, वही बोल रही है कि अगर इसको अभिषेक पसंद आ रहा है और जहां तक हम सुने हैं कि बाहर ऑडियंस को भी अभिषेक पसंद आ रहा है, तो इसका मतलब जनता इज द रियल हीरो। अगर जनता, अगर हम बिग बॉस नहीं देखे हैं मतलब अच्छे से, लेकिन जनता सब कुछ देखता है, अगर जनता किसी को सपोर्ट बाहर कर रहा है इसका मतलब वो अच्छा खेल रहा है। अगर अभिषेक को सपोर्ट मिल रहा है बाहर इसका मतलब वो अंदर अच्छा खेल रहा है। तो हम चाहेंगे कि जनता उसको और सपोर्ट करे, उसको वोट करे, क्योंकि जो जिसको हमेशा यही होता है कि जिसको अंदर कोई प्यार नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, उसको हमेशा बाहर जनता बहुत सपोर्ट करती है, जो मेरे सीजन में भी हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। तो आई थिंक अगर अभिषेक को ये पसंद कर रहा है, yes, और देखो, बोल दी है, हम सब जाके वोट करो, तो अभिषेक को सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए। और जहां तक हम नहीं देखे बिग बॉस, अभी भी बोल रहे हैं पूरा नहीं देखे, हम किसी के बारे में इतना नहीं कह पाएंगे, पर खेल रहे हैं अच्छा, बहुत तो खेल रहे हैं, बट मुझे ज्यादा अच्छा अभिषेक अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे लग रहा है जो अच्छा खेल रहा है, खुल के खेल रहा है, वो अभिषेक है। तो कीप गोइंग अभिषेक, और अच्छे से खेलो, और ऑल द बेस्ट ब्रदर, ऑल द बेस्ट, आप खेलते रहो। और बाकी अभी अभिषेक को और बिग बॉस 17 को साइड रख करके मैं बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बटन को बेल बटन पर टैप कीजिए, और कमेंट कीजिए। 1 लाख हुआ या नहीं? नहीं नहीं, 50,000 तो पहुंचा नहीं, 1 लाख इसका सब्सक्राइबर कर, 50 पहले 1 लाख हो जाएगा, डोंट वरी, बड़ा सोची तो बड़ा मिलेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है, तो गाइस जल्दी से, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। गाइस जल्दी से विशाल सिंह का, जल्दी से, बड़ा सोचिए बड़ा मिलेगा। गाइस जल्दी से विशाल सिंह का 1 लाख, कैसी अपमानजनक बातें करती है लड़की। गाइस जल्दी से विशाल सिंह का 1 लाख सब्सक्राइबर कर दीजिए, क्योंकि इसका जैसे ही होगा तो पार्टी मुझे मिलेगा, और 1 लाख के सब्सक्राइबर में ये मुझे एक डायमंड का रिंग गिफ्ट करेगा। अबे साले, सबके सामने अभी बोल रहा है पब्लिकली, तो एक्सेप्ट कर रहा है। 1 लाख के सब्सक्राइबर में 3 लाख का खर्चा करेंगे, ये क्या बात होता है, इससे अच्छा 50,000 पे रहे। 1 लाख मत कीजिएगा, 99,000 पे रोक के रखिएगा। आप एक डायमंड का रिंग दीजिएगा और हम दुआ करेंगे, और हम थोड़े सबको वो भी बोलेंगे कि थोड़ा आपका जल्दी सब्सक्राइबर कर दे, ठीक है, बाकी का लगा दूंगा इसमें। सब ओके गाइस, बाय 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 बाय।